जावा में हम इनकेप्सुलेशन अचीव करने के लिए हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उन्हें एज अ प्राइवेट डिफाइन करते हैं विच मीन्स दे कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास इसका मतलब उन्हें हम सिर्फ क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं देन एडवांटेजेस ऑफ इनकेप्सुलेशन इक्रीज फ्लैक्सीबिलिटी ये हमारी फ्लैक्सीबिलिटी को इंक्रीज करता है डेटा हाइडिंग अवकोर्स ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है हमारे डेटा हाइडिंग के लिए रीजिबिलिटी इससे हम अपने कोड का भी बार बार री कर सकते हैं टेस्टिंग कोड इज़ ईजी इसकी हेल्प से हमारा जो टेस्टिंग ऑफ कोड होता है प्रोसेस जो हम अपने कोड को टेस्ट कर टेस्ट कर सकें वो ईजी हो जाता है तो चलिए आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इनकेप्सुलेशन को अचीव कैसे करते हैं इनकेप्सुलेशन को अचीव करने के लिए पहले अब मैं एक अलग क्लास क्रिएट करूंगी और उस क्लास के अंदर अपने कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करूंगी जिन जो हमारे वेरिएबल्स जो होंगे प्राइवेट होंगे एंड उसके बाद उनके गेटर सेटर मेथड्स और गेटर सेटर हमारे मेथड जो होंगे वो पब्लिक होंगे सो so, ये हमारा एक प्रॉपर तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इनकेप्सुलेशन को अचीव करते हैं सो so, जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट करी एरिया नाम की एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए लेंथ और ब्रेथ नाम के जिनके मैंने जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्राइवेट रखे हैं उसके बाद मैंने इसके गेटर और सेटर मेथड्स क्रिएट कर दिए नाउ इस एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी अपनी मेन क्लास में मतलब हमारी इनकेशन डेमो क्लास में एंड देन तो पे अपने इस गेटर सेटर मेथड्स का यूज करूंगी सो so, as you can see guys मैंने यहाँ पे एरिया क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम मैंने स्मॉल में एरिया ही रखा है और उसके बाद यहाँ पे उसकी ब्रेथ और लेंथ को मैंने सेट कर दिया 45 और 25 वैल्यू सेट कर दी एंड उसके बाद उसको गेट करके उसको प्रिंट कराया चलिए ये इस प्रोग्राम को रन करते हैं सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो यहां पे वैल्यूज को सेट कराया था गेट करके जब मैंने इसको प्रिंट कराया से वो वैल्यूज को प्रिंट कर दिया सो so, ये हमारा बेसिकली मेन फीचर होता है इनकेप्सुलेशन का इससे हम अपनी डेटा की हाइडिंग मतलब उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं कि हमने अपने लेंथ और ब्रेथ दोनों ही वेरिएबल्स को हमने अपने प्राइवेट कर दिया एंड उसके बाद इनके पब्लिक गेटे सेटर्स बना के हमने इसमें अपनी एक वैल्यू सेट करी एंड उसके बाद उन वैल्यूज को गेट भी कर लिया सो आई होप आपको इनकेप्सुलेशन का भी पूरा मैकेनिज्म समझ में आया अगर कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है आप वहां पर भी जाकर अपने डाउट्स को हमसे वन टू वन इंटर करके पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेगा कमेंट करेगा शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू